तभी रेहान बोला जोया क्या तुम्हें दूर से आती डोल की आवाज़ सुनाई दे रही है कैन यू हियर द लाउड बीटिंग ऑफ द ट्रम हाँ भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों प्रदर फ्रॉम वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम एंड वाई जोया ने कहा वे दोनों इसी सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है डोल क्यों बज रहे हैं। न बोथ द चिल्ड्रन विंकिंग वाई इज द प्लेस वाई इज द एंटायर विलेज सो डेकोरेटेड वाई आर द पीपल बीटिंग द ड्रम जैसे तैसे उनकी बस बढ़ रही थी वैसे वैसे डोल की आवाज भी तेज होती जा रही थी एज द बस मूव डॉन दे कु वेरी क्लियरली हियर द लाउड नॉइज ऑफ़ द ड्रम द लाउड बीटिंग ऑफ द ड्रम उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लकड़ियों का आलाव चल रहा है नाउ इन फ्रंट ऑफ अ हाउस देकू सी अ बॉन फायर लिट चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे थे एंड द पीपल बोथ यंग एंड ओल्ड बोथ चिल्ड्रेन एंड दी ओल्ड पीपल वर डांसिंग अराउंड द फायर। नाउ वॉट इज अ बॉन फायर अ बॉर्नफायर इज लिट ड्यूरिंग फेस्टिवल नाउ इट इज इट हैज टू देर आर टू फेस्टिवल्स In which a bonfire is lit. It is Holi and the next one is Lodi. Lodi is celebrated during the month of January and it is a harvest festival of Punjabis and Holi is lit during the month of February March that is at towards the end of the winter season and it is a festival of colors. It is celebrated all over India and people, both young and old, actually lit a bonfire with heap of sticks very beautifully uh, decorated. and they arranged the heap of sticks in a very beautiful manner. and it is uh, the, the uh, sticks are being lit and people dance around it. so both rehan and joya could see such a bonfire being lit in front of a house. Bhaiya, aise toh lodi ya holi par hota hai. लेकिन आज तो ये दोनों त्यौहार तो नहीं है एंड द डे वॉज नॉट मेंट फॉर एक्चुअली बोथ द सीजन्स जोया ने अक्रम भैया से कहा द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज एंड दे वर स्पीकिंग देयर माइंड आउट टू देयर ब्रदर अक्रम नाई वॉज द एंटायर प्लेस डेकोरेटेड वाई डर हैव है ब्यूटिफुली डेकोरेटेड कोर्ट यार्ड्स एंड वाई वॉज देयर अबॉन फायर लिट टू नो ऑल अबाउट दिस We will have to uh, continue reading and understanding the lesson. So, let's understand the lesson in the next module.